अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुझे नहीं कहती हूँ मुशा अपनी प्राइमरी क्लासेस की क्लास टू में जनाब इंग्लिश में हमारी जो आज की लर्निंग है वर्कबुक की है, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक और बेस्ड ऑन जनरल नेशनल करिकुलम। उसमें हमने टेक्स्ट बुक में आई वंडर के एक्सप्लेनेशन पोएम के क्वेश्चन आंसर वगैरह और तमाम एक्सरसाइजेस कम्प्लीट कर ली थी। अब हम ये आई वंडर पेज नंबर 14 ऑन वर्कबुक, तो हम वर्कबुक वर्क कर रहे हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है नाउन एंड वर्ब्स के अकॉर्डिंग है। नाउन क्या होता है? डूइंग वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? जिसमें आप कोई एक्शन करें, कोई काम करें, जो वर्ड्स होते हैं डूइंग वर्ड्स, जिसमें कुछ किया जाता है उसको कहते हैं वर्ब कहते हैं, और जो नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं वो सारे नाउन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके पास देख रहे हैं ये बॉक्स दिया गया है ब्लैक कलर का, इसमें इतने सारे जो है आपके नाउन है वर्ब है वो आपने इसमें नाउन के कॉलम में लिखना है, वर्ब के कॉलम में, और आई डोंट नो में आपको वो लिखना है जिसमें आपको अंदाजा हो कि ये वर्ब में भी आ सकता है और नाउन में भी आ सकता है, जिसमें आपको आइडिया नहीं कि दोनों में आ रहे। तो अब हम देख रहे हैं बुक, पहला वर्ड है बुक, तो बुक किस में आ जाता है? बुक आ जाता है नाउन में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सी, तो सी क्या है? वर्ब हो गया। इसके बाद कॉलिंग, कॉलिंग भी क्या हो गया? वर्ब हो गया, पुकारना। फिर आ जाता है फील, फील भी किस में आ गया? फिर इसके बाद आ जाता है टैप, टैप का मतलब है किसी को टैप टैप करना, थपकी देना, टैप का मतलब होता है, टैप कहते हैं। टैप नल को भी कह सकते हैं, वर्ब भी हो सकता है टैप, नाउन भी हो सकता है, तो हम इस टैप को आई डोंट नो में लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैन, तो मैन आ जाता है नाउन में। फिश, फिश भी मछली भी नाउन है। इसके बाद है शोइंग, तो शोइंग दिखाना ये वर्ब हो गया। ठीक है ना, शोइंग क्या है? किसी को दिखाना, ये वर्ब हो गया। सदफ, सदफ नेम है, तो सदफ हमने यहाँ लिख दिया नाउन में। इसके बाद आ जाता है वाटर, पानी, वाटर पानी जो है ये इसमें आ सकता है नाउन में, लेकिन हम इसको वाटर को इसमें भी लिख सकते हैं क्योंकि वाटर पानी पीना भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा टैप जो है इधर आ जाएगा, टैप भी जो है इसमें आएगा नाउन में। अच्छा, इसके बाद है ट्री, ट्री भी नाउन में आ गया। कार्ड, कार्ड भी नाउन में आ गया। इसके बाद लुक, लुक इसमें आ गया। फिर इसके बाद आ जाता है सिंग, सिंग वर्ब में आ गया। इसके बाद है डांस, डांस भी वर्ब में आ गया। अच्छा जी, इसके बाद है स्लीपिंग, स्लीपिंग भी इसमें आ गया वर्ब, क्योंकि स्लीपिंग डूइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब्स आ जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है फैसल, फैसल इज द नेम ऑफ द पर्सन, यानी नेमिंग वर्ब जो है वो नाउन है। इसके बाद आ जाता है फैसल के बाद आक्स, बॉडी, बॉडी जो है ये भी वो नाउन में आ जाती है। बॉडी के बाद आ जाता है क्राइम, क्राइम के बाद एट, खाया, ये भी वर्ब आ गया, डूइंग वर्ब हो गए, स्वयं तैरना भी यही हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लैम्प, लैम्प इज द नाउन। इसके बाद है टस्ट, टस्ट यानी छूना। फिर इसके बाद आ जाता है मग, मग इज द नाउन, नेम भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपने देखे बच्चों ये नाउन आपको क्या करना है, ये आपके पास तीन बॉक्सेस बने हुए हैं, नेम, वर्ब्स और आई डोंट नो। जो नाउन में आ गए नेमिंग वर्ड्स वो आपने नाउन वाले कॉलम में लिखना है, जो डूइंग वर्ड्स हैं वो वर्ब के कॉलम में लिखना है, और जिसमें आपको डाउट है कि ये नाउन में भी आ रहा है और वर्ब में भी आ रहा है, इसको आपने लिखना है आई डोंट नो में। तो हमारी ये एक एक्सरसाइज खत्म हुई, अगली उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 15। पेज नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट उसमें हम पेज नंबर 15 करेंगे। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, वर्ब और नाउन किस तरह, बहुत सारे अपने पास वर्ड्स लिख के उसको सॉर्ट आउट करें नेम नाउन में और वर्ड में। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्लास एंड करती हूँ सुमित के साथ, कि आज का लेसन आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, आपको क्लियर हो गया होगा नाउन और वर्ब में। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।